ये मयूर वाटिका पिकॉक गार्डन ये शानदार बनाया हुआ है। ऐसा लग रहा है कि ये सच में ही पिकॉक हो। बच्चों को बहुत खुशी होती है यहाँ जब आते हैं। जब ये राजा महाराजाओं की तरह की छतरी है, ये पिकॉक पानी पीते हुए लग रहा है ना, सच में ही है वो। खैर हो सकता है आप लोगों को अच्छा भी नहीं लग रहा हो। और हो सकता है आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा हो कि यार ऐसा, बच्चों को बहुत खुशी होती है जब यहाँ आते हैं तो उनका मन करता है देर तक यहाँ पे रुके और खेले इस जगह पे। खूब बच्चे आते हैं यहाँ पे शाम को। अभी तो खैर शाम होने को आई लेकिन अभी, और मयूर वाटिका का लोकार्पण राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने किया था। और मुख्यमंत्री जी ने हमारे को जयपुर के एक होटल के अंदर खाना भी खिलाया था। बहुत शानदार होटल थी और बहुत शानदार खाना था। फाउंटेन अभी चल नहीं रहे, और ये पिकॉक है ना जो इस स्तंभ के ऊपर जाकर के एंजॉयमेंट ले रहा है मौसम के। मौसम सुहावना है ना अभी, तो ये भी स्तंभ पे चढ़ करके एंजॉयमेंट ले रहा है। और आवाज आएगी इसकी मोर की। शानदार बना हुआ है वैसे गार्डन। थोड़ा सा इस पे और ध्यान देना इस जगह को तो बहुत अच्छा लगे। जयपुर में वैसे तो क्या है, बहुत सी चीज़ें हैं अच्छी अच्छी हैं यहाँ पे। शूटिंग डेस्टिनेशन भी बहुत हैं, और मेरी नज़र में शायद ही बम्बई से कोई ऐसा कलाकार होगा जो जयपुर आकर के शूटिंग नहीं करा होगा। अमिताभ बच्चन, प्राण साहब, और सुनील शेट्टी, शिल्पा शेट्टी, और धर्मेंद्र जी, कमल हसन, रीना रॉय, और जैकी चैन जो चाइना के हैं शायद वो, और इसके अलावा बीरबल जी, और वो एक महाभारत में अर्जुन का रोल किया था, नाम तो पता नहीं है वो, और इसके अलावा बहुत से, हेमा मालिनी जी और उनकी दोनों बच्चियां भी जयपुर में आ चुकी हैं, है ना। और इसके अलावा अकबर द ग्रेट के अकबर खान जी, संजय खान जी, वाह यार कितने नामों की लिस्ट तो मैंने ही गिना दी है देखो। और मैं इसलिए नाम गिना रहा हूँ क्यों, मैं भी इनसे लोगों में आधा से ज़्यादा फिल्म स्टार से मिल चुका हूँ मैं तो। जयपुर में बहुत अच्छे अच्छे डेस्टिनेशन है, बस यहाँ एक कमी है कि कोई फिल्म स्टार आकर के रुकता नहीं है। उनके बस दो चार नहीं यहाँ जयपुर के अंदर मकान खरीद रखे हैं।